और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एयरपोर्ट से इस वक्त की बड़ी खबर है, मॉस्को से आई फ्लाइट में बम की सूचना झूठी पाई गई। अज्ञात व्यक्ति ने देर रात फोन के जरिए बम की सूचना दी थी। बम की सूचना के बाद एक बार की हड़कंप मच गया था, लेकिन फ्लाइट की जांच करने के बाद सूचना झूठी निकली। देर रात 2:53 पर IGI एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था विमान, यानी कि इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहां पर ये विमान लैंड हुआ। और अब पूरी जांच के बाद एयरपोर्ट प्रशासन ने राहत की सांस ली है, क्योंकि एक बार को तो ये सूचना मिली कि फ्लाइट में बम है और उसके बाद जब जांच की गई तो ये सूचना झूठी पाई गई। और कन्हैया शुक्ला हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता जुड़ गए हैं। कन्हैया, क्या कुछ जानकारी और जो अज्ञात व्यक्ति जिसने ये सूचना दी उसके बारे में कुछ पता चल पाया? देखिए मेगा, आपको बता दें कि मॉस्को से ये फ्लाइट थी, जो फ्लाइट नंबर इसका जो था वो SU-23 था। इसमें बम होने की सूचना 11:30 मिली थी और इसके बाद ये जो फ्लाइट है वो देर रात लगभग 3:20 पर ये फ्लाइट लैंड हुई थी, जिसके बाद जो सुरक्षा अधिकारी है, जो पुलिस है, उन्होंने पूरी तरीके से फ्लाइट की जांच की है और फ्लाइट में जो यात्री थे उनकी भी जांच के बाद उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने दिया गया है। और इसके बाद जो कॉल आई थी उसकी भी जांच की गई। ये कॉल जो है वो फर्जी थी, लगातार पुलिस जांच कर रही है और जिसने कॉल की थी उसके लिए भी अब कार्रवाई की जाएगी। और ये कोशिश की जा रही है कि जो फ्लाइट है उसको फिर से तैयार किया जाए, क्योंकि फ्लाइट में सभी जो पार्ट है वहां पर जांच की गई, जो क्रू मेंबर्स थे उनकी जांच की गई है, लेकिन ये जो सूचना है वो फॉल्स पाई गई है। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो ये जानकारी जो झूठी पाई गई और उसके बाद प्रशासन ने अब राहत की सांस ली।